गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, लेट्स कंटिन्यू चैप्टर 6। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि कॉलोनाइज में क्या होता है, ठीक है ना, न्यूक्लियस बार क्या होता है और इवोल्यूशन ऑफ द नीडल। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन अंडर द कॉलोनियल रूल, तो कॉलोनियल रूल में कौन कौन उनके अंतर्गत कौन से सिटीज थी, ठीक है ना, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो देखिए, न्यू सिटीज मद्रास, कलकत्ता एंड बॉम्बे रोज एट द प्रेसिडेंसी सिटीज एंड द न्यू सेंटर्स ऑफ द ट्रेड। जो नए शहर थे जैसे कि मद्रास थे, कलकत्ता थे, बॉम्बे थे, ये रेसिडेंसी सिटीज के रूप में उभर करके सामने आए और यहाँ पर सबसे ज़्यादा ट्रेड होने लगा था। दी एवेल्यूशन कमर्शियल सेंटर्स ऑफ द स्मार्ट सिटीज दैट ओन मैन्युफैक्चरिंग स्पेशलाइज्ड गुड डिक्लाइन इन द 17th सेंचुरीज। देखिए, 17th सेंचुरीज में जो छोटे छोटे शहर थे उनका पतन होना शुरू हो गया था। क्यों होना शुरू हो गया था कि देखिए, जो शहर थे छोटे छोटे वो किसी न किसी चीज़ के लिए स्पेशलाइज थे, ठीक है ना, वो कुछ ना कुछ स्पेशल बनाते थे जिसकी वजह से वो जाने जाते थे। लेकिन जब कॉलोनियल रूल हुआ तो वहाँ पर वो चीज़ें बननी बंद हो गई। जो ब्रिटिश इंडिया थी वो क्या करती थी, वो वही चीज़ों का प्रोडक्शन करवाती थी जिसका बाजार यूरोप वगैरह में बहुत ज़्यादा होता था। इसकी वजह से जो शहरीकरण था उसका डीऑर्गेनाइजेशन होना शुरू हो गया। अगला है डिस्ट्रिक्शन ऑफ द शाहजहानाबाद। जो शाहजहानाबाद जो पहले के समय में क्या थी, कैपिटल थी, वो क्या होने लगी, वो डिस्ट्रक्ट हो गई, ठीक है। अगला है आपका स्ट्रक्चर्स सिंबलाइज ऑफ द मुगल पावर एंड द प्रॉस्पेरिटी लाइक कैनल्स, गार्डन्स एंड द मॉस्क्यूज अराउंड द गेट वाज डिमोलाइज्ड, ठीक है ना। जो स्ट्रक्चर्स थे जो कभी मुगल शासकों के पावर के सिंबल्स हुआ करते थे, वो धीरे धीरे उनका क्या होने लगा, उनको वो विध्वंस होने लगे, ठीक है। जैसे वो कौन कौन सी चीज़ें थी, जैसे कैनल्स थे, गार्डन्स थे, है ना, और क्या थी, मस्जिदें वगैरह थी, वो धीरे धीरे उनका वो जो क्या होने लगी, डिक्लाइन होने लगी। बैराक ऑफ द ब्रिटिश ट्रूप्स बिल्ट इन देयर प्लेसेस, उसकी जगह पर क्या अंग्रेजों ने क्या किया, अपने ट्रूप्स रखने के लिए बैराक वगैरह बनाने शुरू कर दिए। वहाँ मैनी मॉस्क्यूज कवर्ड इन टू द बिल्डिंग्स विद अदर यूजेस, और जो मॉस्क्यूज होती थी उनको अलग, उनका अलग यूज़ के लिए क्या बनाने लगे, उनके अलग यूज़ के लिए उनको बिल्डिंग के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया, जो मॉस्क्यूज थे, ठीक है। अगला है बैन ऑफ द 5 ईयर्स ऑन वॉर्शिप इन द जामा मस्जिद। जामा मस्जिद में कम से कम 5 सालों के लिए पूजा पाठ को बैन कर दिया गया। अगला है आपका एमर्ज ऑफ द न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली जो नई दिल्ली का मर्ज कैसे हुआ, ठीक है। बिटवीन 1911 एंड 1931 न्यू दिल्ली वॉज बिल्ट ऑन द रशियन इंडस टू द साउथ ऑफ द शाहजहानाबाद। लगभग 1911 से 1931 के बीच में जो न्यू दिल्ली है वो रशियन इंडस पर क्या की गई, जो शाहजहानाबाद था उसके साउथ में रसीना हिल पर नई दिल्ली बनाई गई, ठीक है ना। आर्किटेक्ट एडवर्ड ह्यूम्स एंड द हर्बर्ट बेकर डिजाइन न्यू दिल्ली एंड इट्स बिल्डिंग्स, और जो एडवर्ड ह्यूम्स थे और जो हर्बर्ट बेकर थे उन्होंने न्यू दिल्ली की बिल्डिंग्स वगैरह की डिज़ाइन किया था। न्यू दिल्ली गेट आउट इन द ज्यूमेट्रिकल पैटर्न विद द ब्रॉड स्ट्रेट स्ट्रीट्स स्पेसियस बंगलो एंड द प्लेंटी ऑफ ट्रीज एंड पार्क्स। न्यू दिल्ली में ज़्यादा से ज़्यादा पार्क बनाए गए, ठीक है ना, और क्या बनाया गया, ट्रीज वगैरह लगाए गए, लंबी और चौड़ी सड़कों का निर्माण हुआ। कनॉट प्लेस एंड द गवर्नमेंट कॉम्प्लेक्स एंड द इंडिया गेट वॉज बिल्ट एज द इम्पोर्टेंट प्लेसेज। दिल्ली में कनॉट प्लेस है, इंडिया गेट है और गवर्नमेंट कॉम्प्लेक्स वगैरह जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण बिल्डिंगों में की गिनती होती है। वॉइस एज प्लेस एंड द ट्विन सेक्रेटेड बिल्डिंग्स बिल्ट बाई द ब्लेंडिंग एंड द क्लासिक ग्रीक्स एंड द मुगल एंड द बुद्धिस्ट आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स। देखिए, जो वॉइसराय पैलेस थे वो और सीक्रेट जो बिल्डिंग्स थी उनको सम्मिश्रण से बनाया गया। किसके सम्मिश्रण से बनाया गया था, क्लासिकल ग्रीक के सम्मिश्रण से बनाया गया था और मुगल और बुद्धिस्ट जो वास्तुकला थी उसके सम्मिश्रण से बनाया गया था। अब देखते हैं सिटी ऑफ द ओल्ड, ठीक है ना, सिटी ऑफ ओल्ड दिल्ली, तो किसको ओल्ड दिल्ली के नाम से जाना जाता है, जो शाहजहानाबाद है उसको ओल्ड सिटी के नाम से जाना जाता है। और इसका जो डिक्लाइन हुआ वो क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होने लगी थी, पानी का जो सिस्टम था और जो भी ड्रेनेज सिस्टम थे वो धीरे धीरे क्या होने लगे थे, ब्रेकडाउन होने लगे थे, तब पूरी तरीके से वो वर्कआउट नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से क्या हुआ था, जो शाहजहानाबाद थी वो डिक्लाइन होने लगे थे, ठीक है। अगला है इफेक्ट ऑफ द पार्टीशन ऑफ द ब्रिटिश इंडिया ऑन दिल्ली। दिल्ली पर
पार्टीशन, जो ब्रिटिश इंडिया की पार्टीशन थी उसका क्या प्रभाव पड़ा, तो पॉपुलेशन स्पेल आउट शॉर्टेज ऑफ हाउसिंग इंस्टीट्यूट, जो घर वगैरह थे उनकी बहुत ही ज़्यादा शॉर्टेज होने लगी थी। उर्दू एंड पर्शियन कल्चर रिप्लेस विद द कल्चर ऑफ पंजाब, जो वहाँ का पंजाब का कल्चर था वहाँ उसकी जगह पे पर्शियन और जो उर्दू पर्शियन उर्दू और उसका ज़्यादा से ज़्यादा कल्चर दिखाई देने लगा था। एक्टिवेशन ऑफ द पीपल चेंज, पूरी तरीके से लोगों ने लोगों में क्या चेंजेस होने शुरू हो गए थे, ठीक है ना। तो ये है आपका पूरा चैप्टर, अब इस तरीके से आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। इसकी रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम्स होगी तो आप उसे व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हो। ओके क्लास, थैंक यू।